तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो हम बात करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है हथेली पर बाल। और ये कहानी अकबर और बीरबल के जीवन से संबंधित एक घटना पर आधारित है और हर कोई अकबर और बीरबल की कहानियां बड़े ही चाव से सुनता है। तो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह राज सिंहासन पर विराजमान थे, विराजमान कहते हैं बैठे हुए थे। दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। अचानक बादशाह का ध्यान अपनी हथेलियों की ओर गया। अपनी हथेलियों को देखकर उनके दिमाग में एक बड़ा ही विचित्र सा प्रश्न कौरने लगा। विचित्र कहते हैं बड़ा ही अजीब प्रश्न उनके दिमाग में अपनी हथेलियों को देखते ही आया। और बादशाह अकबर तो समय समय पर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते ही रहते थे, तो अपनी हथेलियों को देखते दिखाते हुए बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि शरीर के दूसरे अंगों की भांति मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते। बादशाह के इस प्रश्न को अन बैठे हुए दरबारियों ने भी सुना। आज बीरबल बादशाह के प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो कितना अच्छा हो, वे ये सोचने लगे, क्योंकि अन्य दरबारियों को बीरबल से बहुत जलन रहती थी। इसलिए सोचा अगर आज बीरबल बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा तो बादशाह उसे दंड देंगे, सजा देंगे। बादशाह उस पर नाराजगी प्रकट करें, वे मन ही मन ये बातें सोच रहे थे। परंतु उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब बीरबल तुरंत बोले, बादशाह सलामत, आप हर रोज अपने कर कमलों से अर्थात अपने कमल रूपी हाथों से दान करते रहते हैं, और भला ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे हो सकते हैं। तो सभी दरबारी ये सोच रहे थे अगर बीरबल बादशाह के सवाल का जवाब नहीं देगा तो बादशाह बीरबल से नाराज हो जाएंगे और उसे दरबार से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी तो तब फिर गया जब बीरबल ने तुरंत ही हाजिर जवाबी से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आप अपने इन कमल रूपी हाथों से हमेशा दान करते रहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे हो सकते हैं। अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, प्रशंसा कहते हैं तारीफ को, और अपनी तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है। बादशाह के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी प्रसन्नता को दबा लिया अर्थात अपनी खुशी को उन्होंने छिपा लिया। वे कुछ क्षण सोचकर बोले, किंतु बाल तो तुम्हारी हथेली पर भी नहीं है बीरबल, ऐसा क्यों। बादशाह के इस प्रश्न का भी बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से परिचय देते हुए कहा, जहाँ बना इसका कारण तो अत्यंत स्पष्ट है। आप जो सहृदयता से अर्थात सच्चे मन से और दयालुता से अर्थात उदारता से जो दान देते हैं उसे मैं इन्हीं हाथों से ग्रहण करता हूँ, फिर वाला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। बादशाह अकबर के इस उत्तर को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। उनके चेहरे से लगता था कि वे बीरबल से कुछ और पूछना चाहते थे। बादशाह ने तभी तुरंत बीरबल से तीसरा प्रश्न भी पूछ लिया, बीरबल बाल तो किसी भी दरबारी की हथेली पर नहीं है, इसका क्या कारण है। और ये सवाल सुनते ही बीरबल बोले, जापना आपके दरबारियों की हथेलियों पर बाल उगते तो हैं, परंतु ईर्ष्या, ईर्ष्या कहते हैं जलन को, जलन भाव से द्वेष भाव से उनकी हथेलियों की हजामत करता रहता है। जो ईर्ष्या है उसकी वजह से उनके जो हथेलियों के बाल हैं वो झड़ते रहते हैं। बीरबल का ये उत्तर सुनकर दरबारी जो पहले ही जले भुने बैठे थे ईर्ष्या की आग में और अधिक जल गए और अधिक बीरबल से रुष्ट हो गए। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शायद बादशाह भी उनके इस जवाब के असली चोट को पूरी तरह से समझ नहीं सके, वे उनकी ओर देखते ही रह गए। बीरबल को अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करने का और अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जहाँ पना आप मुझे उदारता से अर्थात दयालुता से दान देते हैं, ये भला दूसरे दरबारियों को अच्छा क्यों लगेगा। वे जलन से, ईर्ष्या भाव से और द्वेष भाव से हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों के जो बाल हैं वे झड़ जाते हैं। बीरबल का ये हास परिहासपूर्ण उत्तर सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। हास परिहास कहते हैं हंसी मजाक का। ये उत्तर सुनकर बादशाह को बहुत ही हंसी आई। बेचारे दरबारियों के बारे में तो कुछ मत पूछो, उनके चेहरे बिल्कुल लज्जा से मुरझा गए और वे सभी दरबारी हाथ मलते हुए रह गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी जलन का भाव अर्थात ईर्ष्या और द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जो जैसा करेगा उसे स्वयं अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। बीरबल किसी भी दरबारी से ईर्ष्या भाव नहीं रखते थे, बल्कि सभी दरबारी ही उनसे ईर्ष्या भाव रखते थे। और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से महाराज अकबर के कठिन से कठिन प्रश्नों के भी सवाल उत्तर बड़ी ही आसानी से दे देते थे। आप कमेंट में लिखकर हमें ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि आप चाहते हैं हम अकबर और बीरबल की और भी कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करें तो हमें कमेंट में कहानियों के नाम अथवा ये लिखकर भेजें कि आपको ये कहानी, इस तरह की कहानियाँ और पसंद हैं। हम आपके लिए कहानियाँ लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं।